ओके गाइस, अब देखते हैं शेयर। अभी देखिए बेंडिंग स्ट्रेसेस इन द बीम है ना, आप लेक्चर्स में देख चुके हैं कि ऑलरेडी कि बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या होते हैं बीम में। अब देखेंगे शेयर स्ट्रेसेस इन बीम। शेयर शेयर स्ट्रेसेस इन बीम, इन बीम। तो आपका शेयर स्ट्रेस बीम में क्या होने वाला है वो देखते हैं। आपका जो बीम में शेयर स्ट्रेस डेवलप होगा उसका फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू पी ए वाई अपॉन आई एन ए बी, पी ए वाई बार अपॉन आई एन ए बी। इसमें पी ए वाई बार आई एन ए बी और ये टाउ क्या है, बात करते हैं उसके बारे में। ये टाउ, टाउ इज द शेयर स्ट्रेस डेवलप्ड, टाउ इज द शेयर स्ट्रेस डेवलप्ड एट द क्रॉस सेक्शन और एट द फाइबर। शेयर स्ट्रेस डेवलप्ड एट अ फाइबर विच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस, विच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस ऑफ वाई फ्रॉम y from न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पे जो फाइबर होगा वहां पे आपका जो शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो है टाउ, ठीक है ना। p is the shear force on the cross section, okay। And A is the area, ध्यान रखना A क्या है, A is the area, पूरे बीम का एरिया नहीं, बीम के उस फाइबर का, जो बीम का जिस फाइबर पे मैं शेयर स्ट्रेस निकालना चाह रहा हूं उस फाइबर के ऊपर का एरिया, अगर वो फाइबर आपका न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है, ठीक है ना। एरिया अबव फाइबर अंडर कंसिडरेशन, एरिया अबव फाइबर अंडर कंसिडरेशन, जो मैं कंसिडर कर रहा हूं जहां पे मुझे क्या निकालना है, शेयर स्ट्रेस निकालना है, वहां का आपका क्या होगा, उसके ऊपर का एरिया होगा। ये कब होगा, जब आपका फाइबर अबव न्यूट्रल एक्सिस, अगर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है आपका फाइबर तो उसके ऊपर का एरिया क्या होता है, ए, ठीक है ना। अगर नीचे है तो नीचे का, ठीक है ना, इट विल बी लाइक दिस। नाउ वाई बार, तो ए इंटू वाई बार क्या हुआ, वाई बार इज योर सेंट्रॉइड, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ एरिया अंडर कंसिडरेशन, मतलब उस एरिया का जो फाइबर के ऊपर है उसके एरिया का सेंट्रॉइड का डिस्टेंस कहां से, दैट इज फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस से। सो एरिया अंडर कंसिडरेशन distance of centroid of area under consideration from neutral axis, okay। Now a into y bar is known as first moment area, कौन सा area का, जो consideration किए हैं, जो consider किए हैं उसका first moment area about neutral axis जो एरिया कंसिडर किए हैं उसका, ठीक है ना। नाउ आई एन ए विल बी योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस एंड बी इज द विड्थ ऑफ फाइबर जो आप कंसिडर कर रहे हो, जहां पे आप क्या निकालना चाह रहे हो, शेयर स्ट्रेस निकालना चाह रहे हो, जिसका डिस्टेंस कितना होगा वाई, कहां से, न्यूट्रल एक्सिस से। दिस विल बी द विड्थ ऑफ फाइबर अंडर कंसिडरेशन,
width of fiber under consideration. So this will be the what? आपका इस फॉर्मूले में क्या क्या चीजें क्या क्या हैं, है ना, उसके बारे में बात किए. अब देखो इसी पे अगर मैं देखूं, एक रेक्टेंगल बीम लेता हूं, ठीक है ना, इस जो जो चीजें बताया हूं वो आपको और क्लियर हो जाएगा. एक बीम लेके, एक एग्जांपल लेके इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना. एक बीम लिया मैं, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का बीम है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का बीम है, ठीक है ना. तो उसमें आपका मैं देखना चाह रहा हूं शेयर स्ट्रेस. ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का बीम, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का एक बीम हो गया, ठीक है. और इसका टोटल डेप्थ एज्यूम कर लिया मैं डी, टोटल डेप्थ एज्यूम कर लिया डी, और ये हो गया टोटल विड्थ वी, ठीक है. एंड हियर दिस विल बी द न्यूट्रल एक्सिस एंड ए, और न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस यहां से क्या होगा डी बाई टू, और यहां से क्या होगा डिस्टेंस नीचे से, यहां से भी डी बाई टू, ये वाला डिस्टेंस डी बाई टू, ये वाला डिस्टेंस डी बाई टू, ठीक है ना. नाउ इसमें मैं शेयर स्ट्रेस निकालना चाह रहा हूं. क्या निकालना चाह रहा हूं, शेयर स्ट्रेस किसी एक फाइबर पे, एक फाइबर यहां पे एज्यूम कर रहा हूं, इस फाइबर पे मुझे शेयर स्ट्रेस चाहिए, ये वाला फाइबर है उस पे शेयर स्ट्रेस चाहिए. लेट अस एज्यूम इस फाइबर का डिस्टेंस आपका न्यूट्रल एक्सिस से कितना है वाई, कितना है वाई डिस्टेंस पे आपका क्या है वो फाइबर है, ठीक है ना. और अब ये वाला फाइबर है, ये वाला फाइबर था जो वाई डिस्टेंस पे आपका न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे लोकेटेड है, वहां पे मुझे क्या निकालना है शेयर स्ट्रेस. तो उसके ऊपर का एरिया, मतलब ये वाला एरिया, एरिया अंडर कंसिडरेशन, तो इसका एरिया निकालना रहेगा. तो मुझे ये वाला विड्थ तो पता है, विड्थ तो कॉन्स्टेंट है, इस फाइबर का विड्थ भी ही है, ठीक है ना. और ये वाला क्या हो जाएगा आपका डेप्थ, तो ये वाला डेप्थ कितना हो रहा है, इट विल बी आपका ये कितना था d by 2 था, d by 2 में ये y गया, तो ये हो जाएगा d by 2 minus y, d by 2 minus y, so this will be the what आपका depth हो गया उस ये वाला fiber के ऊपर का area का depth हुआ, ठीक है ना. so now अगर मुझे इसका area लेना रहेगा तो area will be क्या हो जाएगा d by 2, d by 2 माइनस वाई इन टू विड्थ, विड्थ कितना है बी, ठीक है ना. सो दिस विल बी द एरिया. ओके नाउ इसका मुझे वाई बार चाहिए, वाई बार इज व्हाट, सेंट्रॉइड का डिस्टेंस, जो एरिया कंसिडर किए हो उसके सेंट्रॉइड का डिस्टेंस. तो ये एरिया कंसिडर किया हूं, इसका सेंट्रॉइड क्या होगा, ये होगा, और इसका सेंट्रॉइड का यहां से यहां डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इट विल बी यहां पे लिख रहा हूं डी बाई टू माइनस वाई का हाफ, क्योंकि ये भी तो आपका रेक्टेंगल हुआ ना, तो इसका सेंट्रॉइड का डिस्टेंस ये होगा d बाई टू माइनस वाई बाई हाफ. लेकिन मुझे ये वाला डिस्टेंस कहां से दिखना है, न्यूट्रल एक्सिस से. सो दिस विल बी द y बार. तो y बार क्या हुआ, y बार इक्वल टू y प्लस d बाई टू माइनस वाई बाई d बाई टू माइनस वाई का हाफ, ठीक है ना. सो इट विल बी d बाई टू माइनस वाई अपॉन, ठीक है ना. सो ये हुआ कितना, इतना डिस्टेंस, और प्लस आपका ये वाला डिस्टेंस, इट विल बी द वाई, ठीक है ना, ठीक है. सो दिस विल बी वाई बार. अब देखो वाई बार अगर मुझे निकालना रहेगा, ये पूरा वाई बार अगर मैं देखूं, तो वाई बार इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डी माइनस टू वाई बाई टू डी वाई डी माइनस टू वाई, या फिर इसको बोलता हूँ सीधा सीधा, इसको डी बाई टू का डी बाई टू रखा, और ये हो गया आपका माइनस वाई, और यहाँ पे ये हो गया प्लस टू वाई अपॉन टू. तो ये हो जाएगा आपका वाई बार इक्वल टू, निकला वाई बार इक्वल टू डी बाई टू प्लस वाई अपॉन टू. तो ये वन बाई टू को अगर कॉमन निकाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा डी बाई टू प्लस वाई, दिस विल बी यूअर वाई बार. ओके अब मुझे अगर इसमें शेयर स्ट्रेस निकालना है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला, दैट इज यूर टाउ इक्वल टू पी ए वाई बार अपॉन आई एन ए बी. तो बी इज द कॉन्स्टेंट, विड्थ कॉन्स्टेंट है, वाई निकाल लिए हैं, ए निकाल लिए हैं, लेट अस अज्यूम आपका पी, पी शेयर फोर्स इन द क्रॉस सेक्शन. तो आपका क्रॉस सेक्शन में आपका शेयर फोर्स पी ही मान लिया मैं, कि आपका पी शेयर फोर्स आ रहा है, ठीक है ना. अब इसमें आई एन ए निकालना है, दैट इज यूर वॉट
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस विल बी द पैरेलल इनटू परपेंडिकुलर क्यूब. सो हियर आई एन ए विल बी बी डी क्यूब बाई 12. सो हियर आई एन ए विल बी बी डी क्यूब बाई 12. नाउ पुट द वैल्यूज हियर. सो शेयर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू पी ए, एरिया क्या होगा, इट विल बी डी बाई 2 माइनस वाई इंटू बी, और आपका वाई बार कितना है, इट विल बी 1/2 डी बाई 2 प्लस वाई, ओके, अपॉन आई एन ए. आई एन ए कितना है, बी डी क्यूब बाई 12, बी डी क्यूब बाई 12 इंटू आपका विड्थ, विड्थ विड्थ यहाँ पे जो विड्थ था वो बी ही एज्यूम किया हूँ, तो बी तो बी कॉन्स्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये देखो आपका फाइबर जो है, फाइबर का विड्थ क्या है, आपका बी है. एक वायरिंग क्रॉस सेक्शन का भी देखेंगे, ठीक है ना, फिलहाल तो इसका देख रहे हैं कि इसका विड्थ क्या है, बी, ठीक है ना. सो इट विल बी बी, ओके. नाउ हियर अब इसको देखो, ये क्या हुआ ए माइनस बी और ये हुआ ए प्लस बी, तो ये हो गया पी इंटू 1/2 इंटू बी, पी इंटू 1/2 इंटू बी, और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, ये माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आपका ऐसा होने वाला है, और यहाँ पे हो जाएगा ये बी डी क्यूब, तो ये बी स्क्वायर डी क्यूब. तो यहाँ पे इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पी, ये वाला पी, ये वाला बी, और ये पी इंटू बी इंटू 1/2, और ये देखो डी बाई 2 माइनस वाई, मतलब ये ए माइनस बी और ये प्लस बी बोल सकता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका डी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन ये है आपका बी इंटू डी क्यूब इंटू बी अपॉन 12. तो यहाँ से ये बी और ये बी कैंसिल हुआ, ठीक है ना, और ये 2 ये आपका 6, तो यहाँ पे फाइनली आपका बचा क्या, पी पी इंटू ये 6 ऊपर चला गया, तो 6 पी डी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या बचा, बी डी क्यूब, बी डी क्यूब, तो ये हो गया 6 पी डी बाई 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी डी क्यूब. इट विल बी द शेयर स्ट्रेस. शेयर स्ट्रेस का क्या हुआ, आपका एक इक्वेशन आ गया, किसमें, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में जो शेयर स्ट्रेस आपका होगा वो इस फॉर्म में वेरिएशन आ गया, उसका मतलब इक्वेशन आ गया. नाउ लेट्स सी, मतलब आपका शेयर स्ट्रेस क्या आ रहा है रेक्टेंगुलर बीम में, 6 पी डी बाई 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी डी क्यूब. मतलब मैं कह सकता हूं मेरा जो शेयर स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस है, देखो डी क्या है, कांस्टेंट है, पी शेयर फोर्स कांस्टेंट मान लिया, बी डी कांस्टेंट है आपका रेक्टेंगुलर का, तो यहां पे अगर मैं बोलूं मेरा जो शेयर स्ट्रेस है वो वेरिएशन, शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन किसके रिस्पेक्ट में होने वाला है, वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो दिस विल बी द फंक्शन ऑफ, आई कैन से वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कह सकता हूं, ओके. सो दिस इज योर फंक्शन ऑफ वाई स्क्वायर. अब देखो एक्चुअली माइनस वाई स्क्वायर ना, क्योंकि वाई आपका इसमें निगेटिव होगा डी बाई 2 में. अब देखो यहाँ पे मेरा जो शेयर स्ट्रेस है वो क्या हो रहा है, आपका वेरिएशन जो हो रहा है, बोल सकता हूँ अब नाउ प्रोपोर्शनल टू वॉट, वाई स्क्वायर बोल सकता हूँ, ठीक है ना. सो माइनस वाई स्क्वायर ना एक्चुअली, ठीक है ना, माइनस वाई स्क्वायर. अब देखते हैं क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं शेयर स्ट्रेस देखता हूँ कहाँ पे, वेन यूवर वाई इक्वल टू डी बाई 2, ये वाई क्या हुआ, यहाँ पे वाई जीरो होगा न्यूट्रल एक्सिस पे, वेन यूवर वाई इक्वल टू डी बाई 2, वेन यूअर वाई इक्वल टू, वाई इक्वल टू, इफ इफ वाई इक्वल टू डी बाई 2 है, तो ये वाला इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला. इक्वेशन नंबर 1 में अगर वाई इक्वल टू डी बाई 2 रखते हो तो आपका शेयर स्ट्रेस क्या आएगा, शेयर स्ट्रेस यहाँ पे डी बाई 2 स्क्वायर आ जाएगा, मतलब ये हो गया आपका 0. शेयर स्ट्रेस क्या आया, 0, किसमें, अपर फाइबर में, मतलब शेयर स्ट्रेस क्या मिलने वाला है, 0. अब देखते हैं बॉटम फाइबर में, बॉटम फाइबर में, बॉटम फाइबर के लिए फिर से वाई क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो ये वाला भी वाई हो गया आपका डी बाई 2, तो बॉटम फाइबर में भी आपका शेयर स्ट्रेस क्या आने वाला है, 0. तो टॉप फाइबर, टॉप फाइबर, टॉप एंड बॉटम, आई कैन से मेरा शेयर स्ट्रेस क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना.
अब देखता हूं न्यूट्रल एक्सिस पे कितना आ रहा है। न्यूट्रल एक्सिस में आपका वाई कितना है? जीरो। वाई कितना है? जीरो। सो पुट दिस इक्वेशन इन द पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर वन। इफ वाई इक्वल टू जीरो, मतलब कहां पे देख रहे हो आप? इफ वाई इक्वल टू जीरो मतलब आपका शेयर स्ट्रेस देखूंगा मैं कहां? न्यूट्रल एक्सिस पे। तो न्यूट्रल एक्सिस पे हो जाएगा 6P, ये हो गया आपका डी बाई टू स्क्वायर माइनस वाई। वाई मतलब क्या हुआ? डी बाई टू, डी बाई टू सॉरी यहां पे वाई कितना है? जीरो। जीरो एज्यूम किया हूं न्यूट्रल एक्सिस के लिए, जीरो होगा ना, एंड अपॉन बी डी क्यूब। तो ये फाइनली आपका आया 6P डी स्क्वायर बाई टू बी डी क्यूब। तो इसको बोल सकता हूं 6 बाई टू पी अपॉन बी डी, या फिर बोल सकता हूं इसको 3 बाई टू पी बी डी। इट विल बी द व्हाट आपका शेयर स्ट्रेस डेवलप एट द न्यूट्रल एक्सिस, एंड दिस विल बी मैक्सिमम हियर, क्योंकि आपका इससे ज्यादा और कहीं पे आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो न्यूट्रल एक्सिस में मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस हुआ इन द केस ऑफ रेक्टेंगुलर, इन द केस ऑफ रेक्टेंगुलर बीम, ठीक है ना। ये हमेशा जरूरी नहीं है कि आपका न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आए, ठीक है ना। आगे देखेंगे कि कैसे कैसे और वेरिएशन हो सकता है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ दिस विल बी द शेयर स्ट्रेस एट द न्यूट्रल एक्सिस एंड इट विल बी द शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एट द न्यूट्रल एक्सिस। अब देखो अगर मैं बोलूं, अब इसका वेरिएशन देखना चाहूंगा, शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन देखना चाहूंगा, तो शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन होगा इट विल बी यहां से यहां। अब देखो ये क्या वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में आपका वेरिएशन हो रहा था, जब अपर फाइबर में आपका डिवाइड अपर फाइबर में आपका क्या टॉप फाइबर में क्या आ रहा था? दिस इज योर टॉप फाइबर, ठीक है ना। तो टॉप फाइबर में शेयर स्ट्रेस क्या आ रहा था? जीरो। बॉटम फाइबर में क्या आ रहा था? जीरो। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में इसका वेरिएशन? वाई स्क्वायर, मतलब पैराबोलिक होना चाहिए। तो शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा होता है? पैराबोलिक। बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा होता है? लीनियर। इसका कैसा होगा? पैराबोलिक। और इसका वेरिएशन होगा पैराबोलिक, यहां पे जीरो था, यहां पे जीरो था, और न्यूट्रल एक्सिस में आपका मैक्सिमम आ रहा था। सो इट विल बी लाइक दिस, सो दिस विल बी द वेरिएशन ऑफ द व्हाट? शेयर स्ट्रेस। तो ये होगा आपका शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन, ठीक है ना। और न्यूट्रल एक्सिस टाउ एन ए आपका आ रहा है 3 बाई टू पी बी इंटू डी, ठीक है ना। एंड इट विल बी ऑल्सो मैक्सिमम, दिस विल बी द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, दिस विल बी द टाउ मैक्स, ओके, दिस विल बी टाउ मैक्स। तो टाउ मैक्स कहां पे आया आपका? न्यूट्रल एक्सिस में आया। किस केस में? रेक्टेंगुलर के केस में, ओके। नाउ लेट्स सी, अगर इसमें मैं एवरेज शेयर स्ट्रेस निकालूंगा तो एवरेज शेयर स्ट्रेस क्या हो जाएगा? इट विल बी द एवरेज शेयर स्ट्रेस, ऐसा हो जाएगा एवरेज शेयर स्ट्रेस। एंड एवरेज शेयर स्ट्रेस अगर निकालना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा वो? दैट विल बी द टाउ एवरेज निकालना चाहूंगा तो वो हो जाएगा पी शेयर फोर्स अपॉन एरिया, अपॉन एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी व्हाट? बी इनटू डी। सो दिस विल बी द एवरेज शेयर स्ट्रेस। तो इसको अगर एवरेज के टर्म में लाना चाहूंगा, इसको एवरेज के टर्म में लाना चाहूंगा तो ये क्या हो जाएगा? टाउ मैक्स इक्वल टू 3 बाई टू पी अपॉन बी इंटू डी। और ये जो आपका पी अपॉन बी इंटू डी है, यही तो आपका क्या है? टाउ एवरेज है। सो हियर आई कैन से टाउ मैक्स इक्वल टू 3 बाई टू टाउ एवरेज। सो दिस विल बी द वेरिएशन, दिस विल बी द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप इन द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम, है ना, 3 बाई टू टाउ एवरेज। तो देखो ये ओवरऑल मैं बताया कि कैसे कैसे चीजें आ रही है, क्यों 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 आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो आपका जैसे क्वेश्चन आया तो क्या आप पूरा ऐसा कैलकुलेशन करोगे क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए? नहीं। उस समय आपको क्या निकालना रहेगा? सिर्फ एवरेज शेयर स्ट्रेस निकालना रहेगा, मतलब शेयर फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब उस प्लेन का एरिया निकालूंगा, और उसको अगर 3 बाई टू से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो रेक्टेंगल के लिए मेरा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप दे देगा, ठीक है ना। ठीक है, ओके गाइस, अभी देखें अपन क्या शेयर स्ट्रेस डेवलप इन अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम। अब देखेंगे शेयर स्ट्रेस डेवलप इन अ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन का बीम है, उसमें आपका शेयर स्ट्रेस डेवलप क्या होगा देखते हैं इसका। इट विल बी आपका एक ट्रायंगल एज्यूम कर लिया मैं,
ठीक है, और इसका बेस का बेस मान लिया बी, और इसका हाइट हाइट मैं मान लिया एच, ये हाइट हो गया आपका एच। ओके नाउ एंड न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा इसका, यहां पे कहीं पे होगा इसका न्यूट्रल एक्सिस, दिस विल बी द न्यूट्रल एक्सिस। एंड न्यूट्रल एक्सिस का यहां वर्टाइसेस से डिस्टेंस कितना होने वाला है, इट विल बी 2h/3, ठीक है ना। ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में अपन मेंशन कर चुके हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें आ रही है, ठीक है ना। तो यहां से ये 2h/3 होगा न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस होगा आपका क्या h/3, ठीक है ना। लेट अस अज्यूम कि मैं एक फाइबर ले रहा हूं, यहां पे ये एक फाइबर लिया जहां पे मुझे क्या निकालना है, शेयर स्ट्रेस। तो इस फाइबर का देखो, आपका रेक्टेंगुलर में फाइबर का वो क्या था, आपका थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन कॉन्स्टेंट था, यहां पे तो वेरिएशन है इसका। तो यहां पे लेट अस अज्यूम ये विड्थ है b1, ये वाला विड्थ क्या है b1, और इसका y डिस्टेंस यहां से ले लिया मैं टॉप से y डिस्टेंस ले लिया, ठीक है ना। तो ये वाला एरिया का मुझे क्या निकालना है आपका, इसमें मतलब ये एरिया अंडर कंसिडरेशन हुआ, और इस फाइबर में कितना शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो निकालना रहेगा, ठीक है ना। नाउ हियर अगर मैं बोलूं b1 निकालना चाहूंगा विड्थ, तो विड्थ क्या हो जाएगा b1, यहां पे देखो ये एक बड़ा ट्रायंगल हुआ और ये वाला एक छोटा ट्रायंगल हुआ, तो सिमिलर ट्रायंगल से आई कैन से y/b1 = h/b, सो यहां से मैं कह सकता हूं b1 = b(y/h), तो दिस विल बी द विड्थ ऑफ दिस फाइबर, ओके b(y/h). नाउ इसका सेंट्रॉइड क्या होगा, इसका सेंट्रॉइड होगा यहां ये वाला, और यहां से इसका डिस्टेंस क्या होने वाला है y/3, लेकिन मुझे कहां से लेना पड़ेगा, न्यूट्रल एक्सिस से। तो न्यूट्रल एक्सिस से टोटल ये वाला डिस्टेंस लेना चाहूंगा, ये तो पता है y/3, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये टोटल कितना है 2h/3, उसमें अगर y को माइनस करता हूं तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा प्लस ये, ठीक है ना। सो यहां से मेरा y बार हो जाएगा कितना, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 2h/3 - y प्लस y/3, सो यहां से ये हो जाएगा 2h/3 - 2y/3 आने वाला है, ठीक है ना। सो हियर इट विल बी 2/3 कॉमन आ गया, बचा क्या h - y, सो दिस विल बी योर y बार। ओके नाउ अब इसका मैं क्या निकालना चाहूंगा, एरिया, ये वाले का एरिया जो आपका फाइबर कंसिडर किए हूं उसके ऊपर का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है b1 और हाइट कितना है y, ये वाला ट्रायंगल का बेस कितना हो गया b1 और इसका हाइट हो गया y, और b1 इक्वल टू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, b1 इक्वल टू क्या है by/h, तो ये हो जाएगा b/y/h, b1 = y, सो इट विल बिकम by²/2h, दिस विल बी द एरिया। अब इसका अगर मैं बोलूं ay बार निकालना चाहूंगा, फर्स्ट मोमेंट एरिया, ठीक है ना, सो a(y)² कर दो, तो a आ रहा है by²/2h इंटू आपका ये है 2/3h - y, सो यहां से आपका ये हो जाएगा 2 और 2 कैंसल, क्या आया by²h - y/h 3h, सो दिस विल बी योर ay बार। ओके नाउ इसका INA क्या होगा, INA दैट इज योर व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ दिस होल क्रॉस सेक्शन, सो इट विल बी क्या होता है पैरेलल आपका न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट बोल रहा हूं, न्यूट्रल एक्सिस बेस के अबाउट नहीं, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, तो दिस विल बी INA हो जाएगा BDQ पैरेलल इनटू परपेंडिकुलर क्यूब by 36 होगा इसमें, ठीक है ना, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट में, एक लेक्चर में ऑलरेडी मैं बताया हूं इस चीज के बारे में, ठीक है ना। नाउ सो दिस विल बी व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द होल
क्रॉस सेक्शन. नाउ सो आपका अगर शेयर स्ट्रेस निकालना रहेगा उस फाइबर में, तो उसका फॉर्मूला क्या लगाऊंगा मैं, पी ए वाई बार अपॉन आई एन ए बी. ओके, और बी क्या है आपका, बी वन के बराबर है, ठीक है ना. सो यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ शेयर स्ट्रेस, तो पी शेयर फोर्स को मैं पी माना हूँ, जो शेयर फोर्स आपके क्रॉस सेक्शन में लग रहा है वो पी ही है, ठीक है ना. ये शेयर फोर्स पी का पी हुआ. ए इंटू वाई बार, ए इंटू वाई बार इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं बी वाई स्क्वायर इंटू एच माइनस वाई, एच माइनस वाई अपॉन थ्री एच. ये क्या हुआ, ए इंटू वाई बार. और आई एन ए क्या है, इट विल बी बी डी क्यूब अपॉन 36 इंटू बी, दिस इज यूर बी वन, और बी वन की वैल्यू है बी इंटू वाई अपॉन एच. ये हो जाएगा बी, ये वाला बी क्या हुआ है, इस सेक्शन के लिए बी वन हुआ है ना, तो वही उसी की वैल्यू रख रहा हूं, तो बी इंटू वाई अपॉन एच, ठीक है ना. नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो शेयर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू आपका हो जाएगा पी इंटू बी इंटू वाई स्क्वायर एच माइनस वाई, और ये हुआ 312 जा. ओके, एंड एच कैंसल हुआ, और एक बी यहाँ से कैंसल हुआ, और एक वाई यहाँ से कैंसल हुआ, तो ये बी कैंसल हो गया और ये वाई, एक वाई बस बचा. तो यहाँ पे पी इंटू वाई, पी इंटू वाई, और ये हुआ आपका डी क्यूब इंटू बी, डी क्यूब इंटू बी, और 12 ऊपर चला गया. सो इट विल बी शेयर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू आई कैन से 12 पी, वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो एच वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी डी क्यूब. ओके, सो दिस विल बी द शेयर स्ट्रेस डेवलप जो किसी भी इस क्रॉस सेक्शन में, किसी भी फाइबर में शेयर स्ट्रेस डेवलप है उसको निकाल सकता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, वाई अभी वाई वेरिएबल है ना, तो वाई को मैं जो जैसा जैसा जिस सेक्शन पे निकालना है वाई पुट करते जाऊंगा, वहां वहां वो आ जाएगा. सो दिस विल बी द व्हाट, शेयर स्ट्रेस वेरिएशन, शेयर स्ट्रेस वेरिएशन इन द ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, उसका इक्वेशन आ गया. नाउ टाउ इज हियर अगेन व्हाट, वाई के प्रोपोर्शनल है, माइनस वाई के प्रोपोर्शनल है, वाई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मतलब पैराबोलिक ही होने वाला है, ठीक है ना. तो एक चीज याद रखना माय डियर, आपका शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन हमेशा पैराबोलिक होगा, और बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन क्या था, लीनियर था, ठीक है ना. लीनियर अपन बेंडिंग स्ट्रेसेस इन द बीम में देख चुके हैं, और यहाँ पे क्या है आपका शेयर स्ट्रेसेस इन द बीम, तो इसमें वेरिएशन क्या आने वाला है, पैराबोलिक वेरिएशन आने वाला है. नाउ लेट्स सी, मैं देखना चाह रहा हूँ टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर. तो टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर, तो टॉप फाइबर क्या आएगा व्हेन वाई इक्वल टू जीरो, और बॉटम फाइबर क्या आएगा व्हेन वाई इक्वल टू एच, ठीक है ना. तो टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर में इफ लेट अस अज्यूम दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन, तो इफ वाई इक्वल टू जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहां पे भी ये जीरो आ जाएगा, ये टोटल जीरो आ जाएगा, तो शेयर स्ट्रेस इक्वल टू जीरो. और व्हेन वाई इक्वल टू एच है, व्हेन वाई इक्वल टू एच, शेयर स्ट्रेस एट द टॉप आपका जीरो आया, इफ वाई इक्वल टू एच आया, If y equal to h, ये जीरो था. अब y equal to h इस इक्वेशन में पुट करता हूं, तो y equal to ये हो गया h square minus h square, मतलब ये h square minus h square फिर से जीरो होने वाला है. तो एट द बॉटम भी आपका क्या होगा, शेयर स्ट्रेस जीरो होगा. तो एक चीज ये समझ में आ रहा है कि आपका क्रॉस सेक्शन कैसा भी रहे, आपका शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन पैराबोलिक होने वाला है, और टॉप एंड बॉटम फाइबर में आपका शेयर स्ट्रेस क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है. लेकिन बेंडिंग स्ट्रेस जीरो नहीं था, बेंडिंग स्ट्रेस आपका टॉप और बॉटम में एक्चुअली मैक्सिमम मिल रहा था, ठीक है ना. जिस जो भी आपका टॉप या बॉटम में से जिसका वाई ज्यादा होगा वहां पे आपका मैक्सिमम मिल रहा था, यहाँ पे क्या है जीरो मिल रहा है, ठीक है ना. इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये दोनों में डिफरेंस हुआ क्या, शेयर स्ट्रेस इन द बीम एंड बेंडिंग स्ट्रेस इन द बीम. ओके, नाउ लेट्स सी न्यूट्रल एक्सिस में मैं चाहता हूं, कहां न्यूट्रल एक्सिस में. सो न्यूट्रल एक्सिस कैसे मिलेगा, तो न्यूट्रल एक्सिस मिलेगा कि आपका when y equal to 2h by 3, तब आपका क्या मिलने वाला है, न्यूट्रल एक्सिस. तो इस इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूं इफ y equal to 2h by 3, सो इट विल बी द शेयर स्ट्रेस टाउ, शेयर स्ट्रेस
मिलेगा मुझे अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, तो यहाँ पे 2h/3 पुट करता हूँ, 12 p h y, y इक्वल टू 2h/3 पुट कर रहा हूँ, इट विल बी 2h/3 माइनस 4h²/9 हो जाएगा अपॉन आपका ये हो गया BDQ. सो यहाँ से ये हो जाएगा 12 p, ये हो गया आपका 2h²/3 माइनस 4h²/9 अपॉन BDQ. एंड नाउ इसका एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम विल बी 9, 12 p, ये हो गया एलसीएम 9, यहाँ हो गया 6h² हो जाएगा ये, ठीक है ना, 6 3 3 आपका ये हो जाएगा 6h² माइनस 4h² अपॉन BDQ. सो हियर इट विल बी 12 p, आपका ये हो गया इंटू 2h² अपॉन 9 इंटू BDQ. BDQ कहाँ से आया, BDQ हियर आपका h² BDQ. सो y d क्यों लिए हैं अपन, दिस इज यूर व्हाट y था ना आपका BDQ, आपका ये INA. सो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल इनटू परपेंडिकुलर. ये देखो माय डियर, अपन क्या किए थे, ये बी डी ले लिया हूँ, डी कौन सा ले लिया हूँ, मैं एच को ले लिया हूँ, ठीक है ना, तो ये गलती किए हैं, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, वापस मैं उसको चेंज कर रहा हूँ, ये डी नहीं है भाई, एच है. मैं रेक्टेंगुलर में जैसे डेप्थ ले रहा था वैसे ही उसके वो मैं ले लिया कि BDQ/36, लेकिन नहीं ये एच है. तो ये देखो ये हो जाएगा आपका h³, ये होगा h³. तो सब जगह देख लो, सब जगह आपका h³ होगा, ये भी आपका h³ हो जाएगा, ये हो जाएगा h³, यहाँ पे भी ये हो जाएगा आपका h³, ठीक है ना. सो यहाँ पे ये आने वाला है आपका, ये भी है आपका h³, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है ना. सो ये हो गया आपका h³, ये भी हो गया आपका h³, ये हो गया h³. अब देखो यहां से ये इसको बोल सकता हूं मैं इन 3 एंड दिस विल बी 4, तो 4 × 2 विल बी 8 p, h² के साथ ये क्यूब कर गया, तो आपका बचा 8 p अपॉन ये हो जाएगा BH, 8 p अपॉन BH, ठीक है ना. सो दिस विल बी द शेयर स्ट्रेस डेवलप एट द न्यूट्रल फाइबर, ठीक है ना. नाउ अब इसका एवरेज निकालना चाहूंगा, और मुझे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस नहीं पता, इससे पहले रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में मुझे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस सीधा न्यूट्रल एक्सिस में मिल गया था, ठीक है ना. और इसमें मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस में है, ऐसा करके देखो इसमें जो मेथड अपना रहा हूँ वो आप चाहो तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में भी करके देख सकते हो, ठीक है ना. सो सेम मेथड अपनाता हूँ मैं, कि आपका ये इक्वेशन था आपका क्या, शेयर स्ट्रेस का. सो अगर मेरा टाउ इक्वल टू क्या है, 12 p h y माइनस y² अपॉन BH³ है. अगर मैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस देखना चाहूंगा तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू d tau by dy, y के रिस्पेक्ट में क्या किया, डिफरेंशिएट किया और इक्वल टू 0 करूंगा. तो यहां पे इसको डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा 12 p, आपका y के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा h, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो y का हो गया 1, माइनस 2y अपॉन BH³ शुड बी इक्वल टू 0. इट मींस दैट आई कैन से ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है, ये वाला टर्म को मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन h माइनस 2y इक्वल टू 0 कर सकता हूं, ठीक है ना. तो यहां से मेरा y इक्वल टू क्या आया, h/2, ठीक है ना. तो यहां से मुझे मिल गया y, ठीक है. नाउ सो देखो माय डियर, सो y इक्वल टू क्या आया, h/2, यहां पे आपका क्या मिलेगा, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन द ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम, ठीक है ना. तो यहां पे अब निकाल देता हूं मैं, इफ y इक्वल टू h/2 हुआ तो यहां पे आपका क्या मिलेगा, शेयर स्ट्रेस, तो टाउ मैक्स मिलने वाला है, टाउ मैक्स मिलेगा. इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं, इक्वेशन नंबर 1 क्या था आपका, 12 p h y, y इक्वल टू रखा h/2 माइनस ये हो गया h/2 का होल स्क्वायर अपॉन BH³. तो यहां से ये हो जाएगा 12 p, ये हो गया h² / 2 माइनस h
square by 4 upon BH cube. BH cube. So, यहां से ये हो जाएगा 12P. ये LCM ले लिया कितना? 4. और यहां पे ये हो गया 2H square minus H square divided by BH cube. BH cube. ठीक है ना? और ये 4, ये हुआ 3. तो आपका फाइनली इधर बचा 3P into H square upon BH cube. तो ये H square से ये cancel हुआ. तो बचा फाइनली ये 3. यहाँ पे ये क्या था आपका 4. ठीक है ना. तो यहाँ पे फाइनली आपका बचा 3P upon BH. So this will be the maximum shear stress in the what? Triangular cross section beam. Maximum shear stress ये आ गया. तो total अगर मैं conclusion बोलूं तो क्या क्या आ रहा है? Top fiber में shear stress क्या आ रहा है? 0. Bottom fiber में shear stress क्या आ रहा है? 0. और आपका neutral axis में shear stress कितना आ रहा है? That is your 8P by BH. और आपका maximum shear stress आ रहा है, वो आ रहा है Y, when y equal to h by 2, मतलब middle में. ठीक है ना, वो आ रहा है 3p by bh. अब इसमें अगर मुझे tau average निकालना रहेगा तो क्या होगा? Tau average will be equal to shear force upon the area. और cross sectional area क्या होगा इसका triangular का? It will be half b into h, मतलब मैं बोल सकता हूं 2p upon bh आने वाला है. ठीक है ना. सो दिस विल बी द एवरेज शेयर स्ट्रेस. नाउ अब इसको अगर मैं एवरेज शेयर स्ट्रेस के टर्म में देखना चाहूंगा टाउ मैक्स को, तो इसको मैं बोल सकता हूं, देखो यहां पे टाउ मैक्स इक्वल टू क्या था? 3p बाय bh, 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड किया. ठीक है ना. सो देखो यहां पे ये 2pbh विल बी द टाउ एवरेज. तो आपका टाउ मैक्स इक्वल टू आई कैन राइट 3/2 टाउ एवरेज. सो यहां से मैं बोल सकता हूं अगर मुझे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन में निकालने बोलेगा तो इट विल बी 3/2 टाउ एवरेज हो जाएगा. 3/2 टाउ एवरेज हो जाएगा. अगर न्यूट्रल एक्सिस में निकालने बोला तो, न्यूट्रल एक्सिस में अगर निकालने बोला तो हियर ये हो जाएगा आपका टाउ एन ए इक्वल टू क्या है? 8p. तो 8 को ऐसा लिख सकता हूं 4 इंटू 2 पी बी एच. ओके, तो यहां से ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो गया आपका 4 टाउ एवरेज. 4 टाउ एवरेज. एक मिनट, अपन कहीं पे कुछ चीज मिस कर रहे हैं शायद. यहां पे वापस जाते हैं. ये यहां पे क्या बच रहा था आपका? 4 8. ओके, यहां पे देखो आपका वो कहां से समझ में आया? जब आपका देखो टाउ न्यूट्रल एक्सिस में लिखा रहा हूं तो वो आपका एवरेज का 4 गुना आ रहा है, जबकि आपका मैक्सिमम 1.5 था. ठीक है ना. मतलब ये तो आपका मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस से कम दिख रहा था, मतलब ये कहीं ना कहीं गलती किया होगा. तो ये देखो यहां पे गलती हुआ माय डियर. क्या गलती हुआ है कि आपका जो 12p यहां पे क्या किया? 4 into 2 8 ले लिया, लेकिन नीचे का 3 अपन भूल गए थे. सो दिस विल बी 8/3. सो दिस विल बी 8/3. तो यहां पे हो जाएगा ये 3. तो ये हो गया 4/3. सो आपका न्यूट्रल एक्सिस में टाउ एन ए विल बी 4/3 टाउ एवरेज होने वाला है. ठीक है ना. सो हियर 4/3 एंड 3/2. अगर मुझे मैक्सिमम बोलेगा तो 3/2 टाउ एवरेज हो जाएगा, अगर न्यूट्रल एक्सिस में बोलेगा तो 4/3 टाउ एवरेज हो जाएगा. अगर इसमें अगर मैं शेयर स्ट्रेस वेरिएशन देखता हूं किसमें? ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन में. तो उसका देख लेते हैं कि कैसे होने वाला है. यहां पे शेयर स्ट्रेस वेरिएशन देखेंगे. सो इसका शेयर स्ट्रेस वेरिएशन क्या होगा? ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन का शेयर स्ट्रेस वेरिएशन विल बी, ये लाइन हो गया, यहां पे क्या था? 0. यहां पे क्या था? 0. न्यूट्रल एक्सिस में ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस मैक्सिमम. लेकिन कहां पे मिल रहा है? व्हेन यू आर h इक्वल टू when your y equal to h by 2, तो यहां से y equal to h by 2 होगा, तब आपका क्या मिलेगा? मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस. दिस विल बी द h by 2. ठीक है ना. सो ये हो गया आपका वेरिएशन. कैसा वेरिएशन है? पैराबोलिक वेरिएशन. तो यहां पे आपको मिलेगा मैक्सिमम, उसके बाद ये न्यूट्रल एक्सिस से ये ऐसा.
यहां पे क्या मिल रहा है, दिस विल बी यूर टाउ एन ए इक्वल टू कितना आया 4/3 टाउ एवरेज, और ये आ रहा है आपका मैक्सिमम टाउ मैक्स इक्वल टू दैट इज यूर 3/2 टाउ एवरेज, ठीक है ना। दिस विल बी द शेयर स्ट्रेस वेरिएशन इन द ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। तो एक चीज समझ में आया कि मेरा हमेशा न्यूट्रल एक्सिस में मैक्सिमम नहीं मिलने वाला, किसमें आपका शेयर स्ट्रेस वेरिएशन में। अगर मैं शेयर स्ट्रेस देखूंगा तो न्यूट्रल एक्सिस में हमेशा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बेंडिंग स्ट्रेस की बात करूंगा तो न्यूट्रल एक्सिस में बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था, हमेशा बेंडिंग स्ट्रेस जीरो हो रहा था। लेकिन शेयर स्ट्रेस जीरो नहीं होगा लेकिन मैक्सिमम भी नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा। सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन के केस में होगा, ठीक है ना। जैसे रेक्टेंगुलर हो गया, स्क्वायर हो गया, आपका सर्कुलर हो गया, तो उस समय आपका क्या होगा कि न्यूट्रल एक्सिस में मैक्सिमम मिलने वाला है। लेकिन बाकी जैसे ये ट्रायंगुलर में आपका मैक्सिमम कहां मिला, एज बाई टू सेक्शन पे, ठीक है ना। कुछ कुछ क्रॉस सेक्शन इसी में बता देता हूं मैं, ठीक है ना। यहां पे देखते हैं या यहां पे, ठीक है, यहीं पे बता देता हूं। जैसे कि अभी अपन देखे एक रेक्टेंगल का देख लिए, अगर रेक्टेंगल का आपका ये बी है, ये डी है, ये डेप्थ डायमेंशन डी है और ये वाला बी है, उस समय आपका शेयर स्ट्रेस टाउ मैक्स कितना आ रहा था, इट विल बी 3/2 टाउ एवरेज, और टाउ एवरेज क्या था इसमें, टाउ एवरेज, और यही आपका न्यूट्रल एक्सिस में था, इसमें यही आपका न्यूट्रल एक्सिस में आ रहा था, ठीक है ना। दिस विल बी यूर न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो यहां पे और टाउ एवरेज क्या हो रहा था, इट विल बी शेयर फोर्स अपॉन इसका एरिया, तो बी इंटू डी, ठीक है ना। सो दिस विल बी व्हाट फॉर द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। अगर मैं स्क्वायर क्रॉस सेक्शन बोला, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, इसका ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया, लेट अस अज्यूम इसके साइड्स हैं ए, और ये वाला भी साइड हो गया आपका ए स्क्वायर है, तो ठीक है ना। नाउ इसमें आपका एवरेज क्या होगा, टाउ एवरेज विल बी शेयर फोर्स अपॉन एरिया, मतलब ए स्क्वायर पी अपॉन ए स्क्वायर, और टाउ मैक्स, और वही आपका न्यूट्रल एक्सिस में आएगा, दैट इज यूर 3/2 टाउ एवरेज, ठीक है ना। सो दिस विल बी अगेन आपका इसमें आया। तो ये देखो ये दोनों सिमेट्रिकल थे, तो क्या आया, न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम आ रहा है। दूसरा अगर मैं देखूं आपका एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन देखता हूं जिसका डाया है डी, डाया क्या है डी, कैपिटल डी ले लिया, ठीक है ना। तो इसका ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल एक्सिस, ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल एक्सिस। सो हियर आपका एवरेज टाउ एवरेज फिर से हो जाएगा क्या, शेयर फोर्स अपॉन एरिया, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर डी स्क्वायर, मतलब 4p अपॉन पाई डी स्क्वायर बोल सकता हूं, ठीक है ना। नाउ अगर मैं इसमें न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट लूंगा, सो यहां पे आता है माय डियर, ध्यान रखना अभी तक दोनों में 3/2 किया हूं, यहां पे हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस में 3 एन ए, और यही आपका टाउ मैक्सिमम होगा, और टाउ मैक्सिमम इक्वल टू इसमें आने वाला है 4/3 टाउ एवरेज। आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में क्या आता है, 4/3। तो मैं आप लोगों को रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का बता दिया, आपको स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का बता दिया, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का बता दिया, और ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन का बता दिया कि वेरिएशन कैसे कैसे होने वाले हैं। तो जब भी आपका क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इतना कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, सीधा सीधा एवरेज निकालना है और उसको उस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि आपको ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन में मैक्सिमम पूछेगा तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट पूछेगा तो एवरेज निकाल के उसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और वहां से अपन क्या बोलते हैं शेयर स्ट्रेस देख सकते हैं। मैं आगे करवाऊंगा कुछ कुछ क्वेश्चंस, ठीक है ना, उस पर बात करेंगे, ठीक है।